ख़वातीन हज़रात अस्सलाम अलैकुम और रात गए की एक और नशस्त में आपका आना मुबारक हो। ना वाकफियत और आगही के दरमियानी फासले को पाटते पुल का नाम है खबर। खबर इत्तला भी है, खबर माजरा भी है, खबर इंतबाह भी है और खबर पयाम शौक व मुसर्रत भी है। अब ये सुनाने वाले का हुनर ठहरा कि वो ज़रा सी बात को अफसाना बना दे, जलती पे तीली का काम करे या फिर वो फहमो इदराक की कई खिड़कियों को एक साथ खोल दे। गए ज़मानों का वाक़या है कि जब हिजान और सनसनी खेजी की ब्रेकिंग न्यूज़ का दौर नहीं था और उस दौर में 9 बजे का एक ख़बरनामा हुआ करता था। 9 बजे का ये वो वक्त था कि जब घरों में जो रात का खाना है और उसका इख्तिताम हो जाना चाहिए कि साहिब खाना को मुल्की और गैर मुल्की हालात से आगही चाहिए, नौजवान जहनों को मालूमात आम्मा में इजाफा करना है और बच्चों को लबो लहजा और तलफ़ सिखाने के मकतब का नाम भी ख़बरनामा ही था। इसी 9 बजे के ख़बरनामे की अता है कि मुमलिकत खुदादाद में बात कहने का सलीका था, गुफ्तगू का अदब था और ज़बानो बयान की हुर्मत थी। और फिर यूँ हुआ कि मीडिया की गर्मी बाजार में हवसे लुकमाए तर खा गई लहजे का जलाल, अब किसी हर्फ को हुर्मत नहीं मिलने वाली। ख़वातीन हज़रात, आज की ये नशिस्त ज़बानो बयान के उसी हुर्मत के नाम, और इस नशिस्त में मेरी मेहमान वो शख्सियत कि जो 7 समंदर पार भी आज भी ज़बानो बयान की हुर्मत है। आप जानते हैं कि रात गए की नशिस्त मौसीकी के बग़ैर मुमकिन नहीं है कि पूरी हो। सो जहाँ एक तरफ मेरी मेहमान शख्सियत ज़बानो बयान की आबरू हैं, बल्कि यूँ कहिए कि वज़न में पूरी हैं, वहाँ मेरी दूसरी मेहमान गुलूकारा सुर में ऐसी ठुकी हुई हैं कि जहाँ हैं उनकी आवाज़ है। सो आज की नशिस्त मेरे लिए बहुत ही दिलचस्पी होने वाली है और मैं इसको शुरू करने का मुतमन्नी भी हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि नशिस्त शुरू करने से पहले हम एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लिया करते हैं। वक्फ़े के बाद हाजिर हो रहे हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर खुश आमदेद। रात गए की इस नशिस्त में बात हो रही है ज़बानो बयान के उस हवाले से कि जिसे आप ख़बर सुनाने का फ़न कहते हैं, न्यूज़ कास्टिंग कहते हैं। आप जानते हैं कि अगर आज माशरे में बे इंतहा हिजान अंगेज़ी है और लोग एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं, तो सबब यह भी है कि पिछली रात को सुनाई गई खबर में इतनी सनसनी थी कि आज बाहम दस्तों गरेबा लोग कूचाओ बाज़ार में हैं। ये पहले क्यों नहीं होता था? ख़बर तो हमेशा से थी। ख़बर इतनी रंगीन क्यों हो गई है? क्योंकि ख़बर तो कभी ब्लैक एंड वाइट थी, तो वो लोग जो ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से चेहरे को हर तासुर से मुबर्रा रख के ख़बर की सदाकत पर और लहजे की हुरमत पर तवज्जो दिया करते थे। उनमें से एक नादिर नाम कहाँ से ढूंढ के लाए हैं और कहाँ से आई हैं, महपारा सफदर। महपारा, मैं बहुत आज तो मैं किस और फलक पे हूँ कि मैं आपके रूबरू हूँ। मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले आप बता दें कि रात के 9 बजे हैं और महपारा सफदर से ख़बरनामा सुनिए। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के 9 बजे हैं, पहले खबरनामे की अहम खबरों की सुर्खियाँ। क्या दिलचस्प ये होता था और ऐसी सनसनी दौड़ जाती थी कि जैसे दुनिया बस अभी बदल जाएगी और इसी वक्त बदल जाएगी। आप महपारा सफदर
पाकिस्तान टेलीविज़न की नामवर न्यूज़कास्टर, आप रेडियो की मुनफरिद आवाज़, और फिर आपको फिक्र रोज़गार सात समंदर पार बीबीसी ले गई और वहाँ पे भी आपने अपना डंका बजाया। और हम अभी आपसे बहुत कुछ पूछने वाले हैं कि यहाँ पे अपने उरूज पे पहुँच के आपने दोबारा से अपने करियर का आगाज़ बैन अल-अक़वामी सतह पर किया और आज वहाँ भी आप उरूज पे हैं। खबर क्या हुआ करती थी, ये लहजा आपने कहाँ से पाया था, इतनी शुस्ता आवाज़ कैसे है, यूँ लगता है कि इसी आवाज़ में मौसीकी भी है और इसी आवाज़ में तलफ़्फ़ुज़ की बड़ी शाइस्तगी भी है। लेकिन मैं आपको बतलाऊँ कि आज की महफिल में हमने जब आपको मदु किया तो बहुत ज़रूरी था कि गायकी के शोबे से भी कोई आप ही के पाए की आवाज़ हो। सो यही बहुत है कि दिल उसको ढूंढ लाया है किसी के साथ, सही मुजाहिद भाई के साथ, वो हुमैरा चन्ना नज़र तो आई है। हुमैरा, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। क्या हुमैरा चन्ना की आवाज़ है, मतलब मैडम नूरजहां और मेहनाज के बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा नगार अवार्ड मिले हैं तो हुमैरा को मिले हैं। इंटरनेशनली गाया है, पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए बहुत गाया, और आज हमारी मेहमान है। रात गए में मेरे स्पेल में पहली दफ़ा आई हैं और मुझे शिकायत है कि पूरे एक साल बाद आई हैं। बहुत शुक्रिया हुमैरा, आपका शुक्रिया बुलाने का, शुक्रिया। आजकल क्या हो रहा है? बस म्यूज़िक, गो के वो चीज़ नहीं है क्योंकि हमारा म्यूज़िक कुछ और है, आजकल जो है वो कुछ और है। लेकिन ये बुरा नहीं कह सकते, बिकॉज जो आर्टिस्ट अब समझते हैं कि हम ये कर सकते हैं वो वही कर रहे हैं। लेकिन हमारा, हमारी जो सकाफत है, हमारा जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है वो ये नहीं है, हम कुछ और हैं। लेकिन आप जिससे वाबस्ता हैं बस उससे वाबस्ता हैं, और जब तक आप हैं हमारे दिल को तसल्ली है। मा पारा गुफ्तगू आपसे, हम शुरू करते हैं किस्सा सरगोदा से। हमें ये सरगोदा के तो मुसम्मिया मशहूर हैं, सिट्रस मशहूर है, माल्टे मशहूर हैं, इतनी रसीली आवाज़ सरगोदा से आएगी ये हमें इल्म नहीं था। तो मेरठ सादात बारह का ख़ानदान सरगोदा पहुँचता है, वहाँ एक ही खानवादे में छह लड़कियाँ पैदा होती हैं, आसपास के गांव से लोग अफसोस करने आते हैं कि इतनी बच्चियाँ पैदा हो गईं और उनमें से हर एक बच्ची नगीना हुई, ये कहानी क्या है आप बताइए? उस वक्त नगीना नहीं थी ना, उस वक्त तो मिट्टी थी बिल्कुल। तो मेरी जब पांचवी बहन पैदा हुई, जो मेरे से छोटी हैं, गुलनाज, और माशाल्लाह से गुलबर्ग डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल होकर रिटायर हुई हैं, वो जब पैदा हुई तो अम्मी की एक दोस्त आई और बड़े प्यार से उन्होंने उठाया और कहा, शम्सु ज़हरा बहुत प्यारी बच्ची है तुम्हारी, इसका नाम तुम अल्लाह माफ़ी रखो। अल्लाह माफ़ी, अल्लाह माफ़ी रखो ताकि बस अल्लाह अब तुम्हें माफ़ करे, अब और बेटियाँ ना हो। तो उसके बाद जब फिर जब माशाल्लाह से छठी बहन हुई, जो माशाल्लाह से इस्लामाबाद में बहुत ही कामयाब गायनिकोलॉजिस्ट में से एक हैं माशाल्लाह, तो वो जब पैदा हुई तो बाकायदा अम्मी की एक दोस्त जलालपुर जट्टा से उनका ताल्लुक था, वो आई और आके वो झूले पे बैठ गईं और बड़ा अम्मी से लेकर जैसे ताज़ियत करते हैं ना, अफसोस करने लगी उनसे और बहुत ही हाथ मल रही थी कि पता नहीं क्या हो गई है, क़यामत बरपा हो गई। तो मैं उस वक्त, हमारी जो नानी थी उन्होंने उठ के कहा, नहीं बीबी यहाँ से उठ जाओ, हमारे यहाँ ये अच्छा शगुन नहीं समझा जाता। अच्छा। उन्होंने उठा के, नानी ने उनको दूसरी जगह बिठा दिया। और मैं ये सोचती, उस वक्त तो ये इतनी अकल थी नहीं, बहुत छोटे थे, लेकिन मैं ये सोची थी कि माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी कि वो औलाद हुई है और उस पर इस तरह से रंजो गम का इजहार किया जा रहा है बजाय किसी खुशी के। तो बहुत वो ही, जिसे कहना चाहिए कि उस वक्त के समाज की ये तस्वीर आप देख सकते हैं मेरी किताब में। और मैं उन बीबी को भी बिल्कुल इल्ज़ाम नहीं दूंगी, उन्होंने अपने इर्द गिर्द यही माहौल देखा होगा जहां लड़कियों की पैदाइश जो है वो किसी अलमिये से कम नहीं होती। आपने किताब में भी लिखा है कि महफिल मिलाद और मजालिस के बाद जो दुआएं होती हैं उसमें अगर किसी के लिए औलाद मांगी जाए तो औलाद-ए-नरीना की दुआ मांगी जाती है। और मैं यही कहती हूँ कि क्यों नहीं हमारे समाज के लोग कहते हैं औलाद की दुआ मांगिए, क्यों औलाद-ए-नरीना की? तो वो जो लड़कियां और खुद जो ख्वातीन हैं वो बैठ के औलाद-ए-नरीना की दुआएं मांगती हैं। किसी ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं औलाद की दुआ मांगिए, बेटी बेटा जो भी है वो औलाद है। लेकिन जिस किस्म की लड़कियां अब
तालीम के शोबे में और हर शोबे में आ रही हैं। मेरे ख्याल में अब लोगों को नज़रसानी कर लेनी चाहिए अपनी दुआओं पे। वालिद आपके दरस व तदरीस से वाबस्ता थे, शायर भी थे, तो क्या ये उनकी निगरानी थी कि ज़बान का ऐसी सुथराई रखी गई? आपकी किताब में आपकी नानी का ज़िक्र है, आपकी वालिदा का ज़िक्र है, और मैं ख़ास तौर पे पूछूंगा कि वालिदा ने जो वो मुरादाबादी देगचियों का सेट बेच दिया था ताकि घर के बर्तन बेचे ताकि आपकी बहन को कॉलेज के एडमिशन हो सके, किसकी तरबियत थी कि ज़बान ऐसी धुली रही? दोनों की, माँ बाप दोनों की तरबियत थी। वालदा की ज़रा ज़्यादा इसलिए थी कि उन्हें जब हम स्कूलों में जाने लगे तो ज़ाहिर है कि जो पंजाब में हम लोग रहते थे तो ज़बान थोड़ी सी मुतासिर तो होनी थी, तो जब आके हम बाहर से सीखे हुए लफ्ज़ थोड़े से बोलने लगते थे तो हमारी वालदा काफ़ी सख्ती से कहा करती थी कि नहीं, ये तुम बाहर ही बोलो बेशक ज़रूर, लेकिन यहाँ सही तरीके से बोलो। अच्छा। तो वो हमेशा उस वक्त वो सही करवा देती थी उसको। और पता नहीं, अब वैसे मैं ये सोचती हूँ कि ठीक है, ज़बान उर्दू ज़बान तो हमारी बहुत अच्छी हमें आ गई, लेकिन मकामी ज़बान भी आनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि अच्छा, बड़ी अजीब बात है कि कॉलेज में जब मैं पहुंची और जब मैं अपनी दोस्तों वगैरह से पंजाबी में बात करने की कोशिश करती थी, क्योंकि सब लोग जब पंजाबी बोल रहे होते थे तो एक दिल चाहता था मैं भी बोलूं, तो मेरी दोस्तें कहती नहीं 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 प्लीज नहीं, तुमसे तो हम उर्दू सीखते हैं, तुम हमसे उर्दू बोलो। और फिर कुछ जो ज़्यादा वो होती यार, पंजाबी को ना बिगाड़ो, तुम अपनी उर्दू बोलो। तो इतनी हौसला शिकनी होती थी कि वो जो पंजाबी का एक पंजाब में पले बढ़े पैदा हुए तो वो जो एक आना चाहिए था एक्सेंट पंजाबी का वो नहीं आ सका और वो ही उर्दू का लबो लहजा रहा। लेकिन चलिए, आपने उस लबो लहजे को किस औज तक पहुंचाया? आपके पास भी, आपकी किताब से मालूम पड़ता है, ये मौका था कि आप भी जैसे एक बहन वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए दरस व तदरीस से वाबस्ता हुई, दूसरी गाय ना कॉलेज से, आप भी डॉक्टर बन सकती थी। आपको ये क्या शौक चढ़ाया कि आप पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में आई, वहाँ से आपने रेडियो की राह ली, वहाँ से जनाब हमदानी की हम सफ़र हुई और फिर टेलीविज़न और वो चिड़िया गई? बस वो ये शौक़ कॉलेज से शुरू हुआ। अच्छा। वैसे वालदा ने पहली बहन से कोशिश की थी डॉक्टर बनवाने की। अच्छा। कोई ना कोई तो बने, लेकिन कॉलेजेस में मज़ामीन ही नहीं पढ़ाए जाते थे, बिल्कुल नया नया कॉलेज था सरगोधा का, बल्कि सिर्फ एफ़ए तक था। अच्छा। तो मेरी वालदा और ने अब चंद ख़वातीन को और मिलाया और फिर कोशिश करके उसको बीए तक करवाया। अच्छा। तो मज़ामीन देखिए, लड़कियों को स्कूल कॉलेज जाने ही नहीं दिया जाता था, उस्ताद कहाँ से मिलते जी। तो कोई साइंस के असातिज़ा ही नहीं होते थे कॉलेज में, लिहाजा ना बड़ी बहन बन सकी ना, मतलब हम मेरे मुझे भी बहुत कोशिश की, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मैट्रिक में मैं वो रट्टा लगा के डिवीजन मार्क्स अच्छे आ गए थे। अच्छा। तो अम्मी का ख्याल था शायद मैं बहुत ज़हीन हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कोशिश की कि मैं फिर FSC में जाऊँ और फिर डॉक्टर बनूँ, लेकिन FSC में मेरे पहली मर्तबा में इतने मार्क्स नहीं आ सके, इसलिए कि टीचर्स ही काफ़ी अरसे के बाद आया करती थी, और एकदम से मैट्रिक के बाद FA का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ जाता था, तो वो नहीं हो सका, तो इतने मार्क्स नहीं आए। लेकिन खैर, फिर मैंने दोबारा किया FSC और मुझे एडमिशन मिला, लेकिन 2-3 साल के बाद जब फैसलाबाद में मेडिकल कॉलेज खुला। अच्छा। क्योंकि उस ज़माने में सिर्फ दो ही मेडिकल कॉलेज थे, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज और ये किंग एडवर्ड्स। अच्छा। तो उसमें बारी नहीं आई, लेकिन 3 साल बाद बारी आई फैसलाबाद का, जब कॉलेज खुला तो उन्होंने कॉल भेजी, तो मेरी एक दोस्त चली गई, मेरी क्लास फेलो, लेकिन मैं उस वक्त मास्टर्स में आ चुकी थी, मैं मास्टर्स डिग्री शुरू कर दी थी, तो मैं नहीं गई फिर। अच्छा। तो मुझे कोई इतना शौक़ भी नहीं था, मुझे स्कूल कॉलेजेस में मेरी अक्सर टीचर्स कहा करती थी महापारा को अगर ढूंढना है तो ग्राउंड में ढूंढो या किसी स्टेज पे ढूंढो, किसी ड्रामे में मसरूफ होगी। जी, अदाकारा थी आप बहुत अच्छी। और वो एक आपकी उस्तानी ने कहा भी था कि जी, मेरी प्रिंसिपल ने कहा था, बहुत ही बेहतरीन प्रिंसिपल थी और बड़ी वो तख्लीकी सलाहियतों की बड़ी हौसला अफजाई किया करती थी, डॉक्टर रज़िया नूर मोहम्मद। तो उन्होंने जब वो ये अनारकली ड्रामा इस कदर हिट हुआ था कि सरगोधा छोटा सा शहर था, इवेंट्स इस तरह से आजकल की तरह हुआ आपने नहीं, कबूतर नहीं उड़ाए थे उसमें आप, दिलाराम नहीं, मैं दिलाराम थी।
तो वो ड्रामा 3 दिन बढ़ाना पड़ा क्योंकि इतनी माशाल्लाह से ऑडियंस आ रहे थे देखने के लिए, नाज़रीन आ रहे थे कि वो 3 दिन बढ़ा। अच्छा। फिर जब वो आखिरी दिन जब उसकी वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होती थी तो उस दिन फिर वो रज़िया नूर मोहम्मद ने कहा खड़े होके कि ये जो लड़की है दिलाराम जो बनी है इसके तो अंदर कोई अदाकारा रहती है। और वालिदा का इसके ऊपर पारा, वालिदा को काफ़ी बुरा लगा, ओहो सैयद घराने की लड़की को इन्होंने एक्ट्रेस बना दिया। अच्छा, घराने ने चूँकि जो सादात बारा का रिवायत है, मजालिस का सिलसिला है, सोसखानी है, और बाकायदा आपकी वालिदा अपने वक्त की नामवर सोसखान थी, तो अब आपने भी सोसखानी की और आपने भी मजालिस में, उसका भी कुछ असर हुआ ज़बान की सफाई में? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा असर हुआ। खुसूसन वालिदा बहुत अच्छी सोसखानी करती थी, हारमोनियम भी उन्होंने सीखा था उस ज़माने में। उस ज़माने में उनके वालिद ने घर में उनको, वो कह रही थी कि वो कोई थी जो टीचर आया करती थी, वो कोई इंग्लिश टीचर थी। अच्छा। जो उनको हारमोनियम सिखाती थी आकर। अच्छा। तो उस ज़माने में उन्हें हारमोनियम सीखा था, और सोसखानी जब वो करती थी तो हम लोग तो खैर छोटे थे लेकिन बड़ी बहनें उनके साथ बाजू होते हैं ना सोसखान, तो दो तीन तीन चार होते हैं, तो उसकी वजह से। लेकिन फिर जब मैं ज़रा बड़ी हुई कॉलेज में आ गई तो फिर अम्मी ने हमें भी थोड़ी सी लिफ्ट करानी शुरू कर दी, हमें भी साथ लगा लेती थी, वरना छोटी बहनों को नहीं लगाती थी जी। तो उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ के ज़ेरो बम को बहुत ही मदद मिली, अल्फाज को किस तरह से उसे अदा करना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा मदद मिली। अब मैं आपसे अगर ये कहूँ कि खादिम को ये एजाज़ हासिल है कि अपने बचपन में माँ की गोद में मैंने आपकी सोसखानी खुद आपसे सुनी है रावलपिंडी में। अच्छा, माशाल्लाह। अब हम चलते हैं आपको लेके लाहौर। लाहौर कैसे आई आप? मैं मास्टर्स डिग्री करने आई, जब वहाँ से ग्रेजुएशन ख़त्म कर ली सरगोधा से, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सरगोधा से, तो मैं आई। मेरे से पहले भी दो बहनें आ चुकी थीं, और सरगोधा का जो उस ज़माने का माहौल था बहुत, शायद उंगलियों पे गिनी जा सकती होंगी वो लड़कियाँ जो किसी छोटे शहर से एक बड़े शहर में मास्टर्स डिग्री करने आ रही हैं, यूनिवर्सिटी तक आ रही हैं। लोग बड़े हैरान होकर अचंभे से पूछा करते थे कि अच्छा जैदी साहब की बच्चियाँ जा रही हैं पढ़ने के लिए। हाँ, तो वो बड़ी, मैं मास्टर्स डिग्री करने आई थी और मैंने फिर यहाँ पर इंग्लिश में लिया था एडमिशन। अच्छा। इंग्लिश लिटरेचर में ख्याल ये था, मेरी वालदा की बहुत ख्वाहिश थी कि अच्छा तुम डॉक्टर नहीं बन सकी, चलो कोई बात नहीं, अब तुम सिविल सर्विस में का एग्ज़ाम दो, तो इसलिए उसमें किया था। और मेरा ख्याल था अगर मैं ये रेडियो टीवी शुरू ना हो जाता तो शायद मैं इसका सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देती और आज मैं भी कोई आपकी तरह होती। लेकिन वो जो अंदर की अदाकार रिटायर हो चुकी होती वो आपको रेडियो ले गई। वो रेडियो, और रेडियो में आपने पहले कोई तलबा का प्रोग्राम किया जी, और फिर एक मॉर्निंग शो था किरण किरण उजाला जी। हाँ, वो कैसे मिला? जो आगाज हुआ, क्योंकि देखिए उस जमाने में रेडियो एक वाहिद इदारा था। बिल्कुल, रेडियो खुद में एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ अच्छी आवाजें, अच्छा लबो लहजा, अच्छा तलफ्फुज होना बहुत ज़रूरी हुआ करता था। तो ऐसे नहीं कि मैं मुँह उठा के जाती और मुझे मिल जाता कोई अच्छा प्रोग्राम। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम से मैंने शुरू किया जिसमें सिर्फ एक उस्ताद थे जो लेक्चर दिया करते थे उस किसी मौजू पर, और फिर हम उनसे सवाल पूछते थे। तो शुरू में काफ़ी अरसे मैं ये करती रही, फिर जब रेडियो पर गई तो फिर शौक़ हुआ कि भाई दूसरे प्रोग्रामों में भी आना चाहिए। तो उसके लिए फिर मुझे ऑडिशन देना पड़ा, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के लिए ऑडिशन की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। लेकिन उसके लिए फिर ऑडिशन हुआ, और जाहिर है कि अपने कॉलेज के ज़माने की डिबेटों का और उसका कोई असर तो था ना, थोड़ा सा गैर निसाबी सरगर्मियों की जो थी उन्होंने बहुत मदद की और ऑडिशन पास हो गया। उसके बाद फिर इतने वहाँ पर बड़े बड़े लोग थे, अजीज़ुर्रहमान वगैरह, उनसे सीखने का मौका मिला। थे सफदर हमदानी, उनका तो कोई हाथ नहीं था ना आपको इस ऑडिशन में पास कराने का? सफदर हमदानी का ऑडिशन में पास कराने में तो बिल्कुल कोई हाथ नहीं था, लेकिन मुझे जिस तरह से उन्होंने, अब मैं कहूँगी नहीं, वो नाराज़ हो जाएंगे, ये काफ़ी उन्होंने शुरू से नज़र रखी हुई थी। अच्छा, ये नाराज उन्होंने नज़र रखी हुई थी या महापारा सफदर ने मुस्तकबिल पे नज़र रखी हुई थी? हमें आप जानती हैं कि एक तरफ तो महापारा ने सारी उस ज़माने की ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, लेकिन जो मतलब तारीख में रकम हो जाए 14 अगस्त 1947, ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है, जनाब मुस्तफ़ा हमदानी साहब, सफदर हमदानी के वालिद और महापारा सफदर के ससुर,
सो खानदान है एक जिन्होंने तारीख पे जो खबर है उस पे इनकी छाप है, और एक छाप आपकी आवाज़ की भी है। आपने गज़ल गाई, आपने गीत गाए, फिल्मों में गाए। मैं आपको मैं पता बताऊं कि आज हुमैरा जितने गाने यहाँ गीत गुनगुनाएंगी, आपके एजाज़ में हमने ये तकल्लुफ़ रखा है कि जो पाकिस्तान टेलीविज़न के अपने वक्त के सबसे नामवर गीत थे और बहुत ही नामवर आवाज़ों से मुंसलिक थे, उन सब को गज़लों को गीतों को हमने मुश्तमिल किया, और मुजाहिद साहब ने ख़ास तौर पे हुमैरा से वो गवाए हैं। हुमैरा किससे इब्तिदा करेंगे? जी स्टार्ट तो मैं चाहूँगी कि मैं अपनी गज़ल से करूँ, क्योंकि बहुत मकबूल रही पीटीवी के हवाले से। उबैदुल्ला अलीम साहब की गज़ल है और मोहसिन रज़ा साहब की कम्पोजिशन है, मैं पेश करती हूँ जी।
ख़वातीन हज़रात एक बार फिर खुश आमदीद। नशस्त है रात गए की और गुफ्तगू है मोहतरमा महपारा सफदर से, और क्या कमाल की गुफ्तगू है। मुझे एक एक लफ्ज़ के बारे में सोचना पड़ रहा है। महपारा की किताब है मेरा ज़माना मेरी कहानी, जिससे हम बहुत सी कहानियाँ निकाल रहे हैं। कहने की बात तो ये है कि जब तक ज़बान व बयान मीडिया के हवाले तक की बात होगी, वो ज़माना महपारा सफदर ही का ज़माना है, किस्सा पारीना नहीं है। लेकिन इसके सरवर्क पे जो तस्वीर आपने मुंतखब की है वो बड़ी दिलचस्प है, और उससे भी एक कहानी वाबस्ता है। सो हम वो कहानी भी सुनेंगे, लेकिन उससे अच्छा। पहले हम बात कर रहे थे उन साहब की कि जिन्होंने सरगोदा से आई हुई एक मासूम सी बच्ची जो सिर्फ रेडियो पे अपनी गैर निसाबी सरगर्मियों की वजह से पहुँची है, उस पे निगाह रख ली है और अब इरादा बहला फुसला के निकाह नामे पे दस्तखत कराने का है। ये साहब कैसे थे? अगर इस किस्म की उनकी आदत थी तो यकीनन कहीं उन्होंने ये कोशिश और जगह तो नहीं की थी। नहीं ना, वो लड़की बिल्कुल मासूम भोली भाली नहीं थी। अच्छा। या आपको अब इतराक हुआ है, ये तब भी था? नहीं, उस वक्त भी था बिल्कुल। हम लोग मिलते थे अक्सर कॉरिडोर्स वगैरह में। मैंने सफदर का कोई प्रोग्राम नहीं किया था। अच्छा। ये कभी भी। अच्छा। वो पता नहीं कौन से प्रोग्राम प्रोड्यूसर करते थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अक्सर कॉरिडोर्स वगैरह में मुलाकात होती थी। फिर पता नहीं कैसे आहिस्ता आहिस्ता फिर गुफ्तगू जरा बढ़ने लगी, फिर वो उन्होंने कहा ये कमरे में बैठे, फिर कमरे में बैठने लगे, जाने जाना हो गए काफी। फिर गुफ्तगू पहले तो यही होती थी प्रोग्रामों के सिलसिले में कि अच्छा वो प्रोग्राम ऐसा था, उसमें ये नहीं होना चाहिए था, इस तरह से होता तो अच्छा था। तो शुरू शुरू में तो काफ़ी महीने प्रोग्राम्स पर ही प्रोफेशनल किस्म की गुफ्तगु होती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो गुफ्तगु ज़रा तवील होती चली गई और टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता था। गुफ्तगु तवील हो रही थी आइंदा के, फिर मैं उसमें थी, फाइनल में आ गई थी मास्टर्स के। अच्छा। तो वो फिर आइंदा के प्रोग्राम भी डिस्कस होने लगे। तो जब काफी होने लगे आइंदा के प्रोग्राम से मुराद कि अब मास्टर्स के बाद क्या करना। अच्छा, है क्या प्रोग्राम है, क्या किस मुलाजमत में जाना है, क्या करना है, ये डिस्कस होने। अच्छा। लगे तो फिर ये आया मुझे ख्याल, हम दोनों को ख्याल आया कि नहीं ये कोई आम प्रोफेशनल बात नहीं है, ये कुछ और है। अगर एक दूसरे की कंपनी सोहबत और ज़हनी मुताबिकत इस कदर है कि हम हर मौजू पर घंटों बात करते रहते हैं, तो फिर ये मामला ज़रा कुछ सीरियस है। तो जब ज़रा मामला थोड़ा सीरियस होना शुरू हुआ तो फिर मैंने अपनी बड़ी बहन को बताया। तो बड़ी बहन ने फिर सफदर से कहा कि देखो मियाँ, अगर तुम ज़रा संजीदा हो तो फिर घर आओ। तो फिर वो अपने वालदैन को लेकर घर आए बाकायदा हाथ पांगने के लिए। और वहाँ पे जब वो घर आए वालदैन के साथ, तो बड़ा दिलचस्प ये है, ये मैंने किताब में भी लिखा है कि मेरी वालदा मिलके ज़ाहिर है बहुत खुश हुई। इस पे खुश नहीं थी कि जो दामाद है वो रेडियो वाला है। अच्छा। वो इस पे ज़रा ज़्यादा खुश नहीं थी, लेकिन इस बात पे बहुत खुश हुई कि मुझे तो जो है लड़के से ज़्यादा उनके वालिद बहुत पसंद आए। अच्छा। और इतना बड़ा नाम और उस जमाने में तो बड़े नहीं, मेरी सास कहा करती थी कि कोई भी बेटा अपने बाप पर नहीं है, वो माशाल्लाह से बहुत। अच्छा। बड़े लंबे चौड़े और खूबसूरत थे। अच्छा। तो वो फिर बाहर रिश्ता हो गया, मंगनी हो गई, मतलब तय हो गई, शायद मंगनी हुई तो नहीं। तो एक दिन एक जनाब, वो धनक उस जमाने का बड़ा मशहूर और मारूफ मैगजीन था जी। और वीकली फोर नाइटली था और बड़ा महंगा था, और उसने एक नया सहाफत को ट्रेंड दिया था कि स्कैंडल्स छापा करता था। अच्छा। मुख्तलिफ किस्म के, सियासी भी और दूसरे भी, समाजी भी, और ये जो फिल्मी दुनिया उसके भी। एक दिन जनाब उस पर एक लगा, हमारे घर आता था वो। अच्छा। धनक बहुत पॉपुलर मैगजीन था,
वो एक दिन उसकी सुर्खी पड़ी तो एक सुर्खी लगी हुई थी टीवी की चिड़िया बहुत ऊंची उड़ती है, तो वो मैंने अच्छा, जल्दी टीवी शुरू कर दिया। हाँ, टीवी इसके साथ साथ जब रेडियो के प्रोग्राम्स में आने लगी तो साथ उसकी ना खबरों का भी शुरू कर दिया, शाम की खबरों। अच्छा। तो आई वो सुर्खी ये थी कि टीवी की चिड़िया बहुत ऊंची उड़ती है, तो मैंने जल्दी से फिर ज़रा मतलब बड़ी वो दिलचस्प लगी ना हेडलाइन, तो मैंने नीचे देखा माहपारा जैदी आजकल रेडियो के प्रोड्यूसर सफदर हमदानी के साथ घूमती फिरती नज़र आती है। हमें सफदर हमदानी साहब से बहुत हमदर्दी है। हमदर्दी है, हमें उन्हें ये बताना है कि टीवी की चिड़िया बहुत ऊंची उड़ती है, रेडियो प्रोड्यूसर के हाथ नहीं लगती। अच्छा। तो पहले तो मुझे हंसी आई, मैंने कहा हो इन्हें ये पता ही नहीं कि चिड़िया तो पहले गिर चुकी है, हमारी मंगनी हो चुकी थी। सही। तो मैंने कहा हमारी तो चिड़िया तो पहले ही गिर चुकी है, लेकिन दूसरे लम्हे मैंने ये सोचा कि ओहो अगर कहीं मंगनी ना हुई भी होती और घर वाले ये स्कैंडल्स पढ़ लेते तो पहले ही इतनी मुश्किलों से इजाज़त मिली थी फिर तो होता। देखा, अब देख लिया। अच्छा, ना आप कैसे कैसे स्कैंडल्स आ रहे हैं को शैतानी चरखा कहते हैं। शैतानी चरखा तो फिर कैसे टेलीविजन आने दो, मतलब बाकायदा 5-6 महीने मुझे लगे अपनी वालदा से इजाज़त लेने। अच्छा। के लिए कि मैं उस पर खबरें पढ़ना चाहती हूँ। मैंने तो अदाकारी का नाम भी नहीं लिया क्योंकि वो इसलिए कि उनकी वालदा के बहुत सख्त उसूल थे कि नहीं तुम मास्टर्स डिग्री कर रही हो तुम्हारी जो है वो बहुत मुतासिर होगी, तुम रातों को रिकॉर्डिंग्स करोगी, ये नहीं चलेगा, इसलिए वो तो भूल जाओ। अच्छा। हाँ, पता आपने रेडियो के ऊपर सफदर अली हमदानी साहब का प्रोग्राम करने के अलावा आपने इब्तिदा की कंपेयरिंग से मॉर्निंग जी, और फिर आपने खबरें पढ़ी। अब मैं नाज़रीन की सूझबूझ और हमारे आज की जो जनरेशन है जिसको ये फ़र्क ही नहीं मालूम है जी। उस ज़माने के रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न ने गुफ्तगू के बराह रास्त कैमरे से गुफ्तगू करने के 3 मुख्तलिफ योंदरा बनाए थे जी। एक अनाउंसर है जो मेज़बान है, वो तस्कीन ज़फ़र होगी या वो सूबिया होगी और वो एक मुख्तलिफ लहजे में गुफ्तगू करेंगी। एक न्यूज़कास्टर है खबरनगार जो माहपारा सफदर हैं, जो खालिद हमीद हैं, जो अज़हरुद्दीन हैं, वो एक मुख्तलिफ लहजे में एक ज़ेरो बम मुख्तलिफ है बिल्कुल, और एक कॉम्पेयर हैं लईक साहब, उनका बिल्कुल मुख्तलिफ। ये आपने स्विच किया कॉम्पेयरिंग से, अब आप खबरों में आ गई, तो किसी ने कहा कि बीबी ये अंदाज नहीं चलेगा, अब यहाँ पे दबाना है लफ्ज को। हाँ। ऐसे करना है क्योंकि आप सबका फिक्स पैटर्न था, कौन सिखाता था। नहीं, मैंने तो टीवी के ऑडिशन से पहले मैंने 3-4 महीने बहुत रेडियो के पाकिस्तान टेलीविजन के बहुत ही सीनियर न्यूज़कास्टर थे अफसार अब्दुल अली। अच्छा। उनसे बाकायदा मैंने सीखा था, सीखने से मुराद ये कि कोई ज़ाहिर है कोई स्कूल एकेडमी तो नहीं थी, लेकिन मैं अखबारात पढ़ के और बाकायदा उनको आकर सुनाया करती थी कि ये इस तरह से मैं पढ़ रही हूँ, और वो मुझे बाकायदा बताते थे कि नहीं यहाँ पे एम्फेसिस होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो मैंने तो 3-4 महीने सीखा था ऑडिशन से पहले, और मुझे तो वो जो थे रब्बानी साहब जो उस वक्त एडिटर थे यहाँ यहीं पे होते थे ऊपर के उसमें खालिद महमूद रब्बानी साहब, उन्होंने मुझे देखने के का बात कहा था कि बीबी ये बच्चों का खेल नहीं है, ये तो बड़ा संजीदा काम होता है, तो आप जाइए यहाँ से, हर रोज़ ऑडिशन होते हैं न्यूज़कास्टर्स के लिए, कोई पास नहीं होता, तो जाएँ ये बच्चों का काम नहीं है, पहली मुलाकात में ये उन्होंने कहा था मुझसे। तो इसलिए मैं तो बहुत वो करके गई थी, रिहर्सल करके गई थी, प्रैक्टिस करके गई थी, यही वजह थी कि मेरा जो पहला ऑडिशन था वो फिर हो गया, वो पास हो गया था। अच्छा, मैं आपको दास की बात बताऊं जी, अपना सेकंड ईयर करने के बाद मैंने सबसे पहले इस्लामाबाद में न्यूज़ कास्टिंग का ऑडिशन दिया था। अच्छा। और आला नंबरों से फेल हो गया था। तो मैं समझ सकता हूँ कि कितना बुलंद मयार था न्यूज़ कास्टिंग का। आपका एक बड़ा मशहूर वाक़ है कि आप की लॉन्ग थी वो ज़्यादा चमक गई थी जी, बिल्कुल, तो उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। वो क्या वाक़ा है? वो ये वाक़ा है कि मैं कान हमेशा पहना करती थी नाक में, तो एक दिन वो ज़ुबैर अली साहब डायरेक्टर न्यूज़ थे, वो लाहौर आए। अच्छा। मैं उस ज़माने में अभी लाहौर में थी। अच्छा। मैंने यहाँ से शुरू किया था अपना और शाम की खबरों से 76 में, तो वो लाहौर आए तो पता चला कि जब मैं वो खबरें पढ़कर जाने लगी तो वो आए अपना जो थे नायब कासिद, आपको जी वो डीएन साहब आए हुए हैं इस्लामाबाद से, वो आपको बुला रहे हैं। मैं दिल में डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है।
कोई गलती हो गई है ख़बरों में। खैर मैं उनके पास गई, लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मुझे खबरनामे में ले जाएं, क्योंकि शाम की खबरें पढ़ते हुए कई महीने हो गए थे, तो उनसे ये भी कहूँगी कि देखिए मुझे खबरनामे में लेकर आइए। तो ये सोच के मैं बड़े इत्मीनान से उनके पास गई, तो वो सारी बातें करते रहे, वही जो उससे पहले खालिद महमूद रब्बानी साहब करते थे कि बीवी बहुत प्लेजेंट भी होना चाहिए, बहुत सीरियस भी होना चाहिए, और लिबास सादा भी होना चाहिए, और बिल्कुल भी ऐसा फूसड़ भी नहीं होना चाहिए कि लोग आपकी तरफ देखें ना, खबर के लिए ज़रूरी है किसी भी वो खबरें पढ़ने वाले के लिए। तो यही सब कुछ फिर उन्होंने, ज़ुबैर अली साहब ने सब दोबारा दोहराया। उसके बाद ये कहने, हाँ जो बहुत एक वो होता था कि न्यूज़कास्टर को ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लोग उस पे मुतवज्जे हो जाएं और खबर भूल जाएं कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो भूलें। ये सारी थी इंस्ट्रक्शंस। तो जब वो उन्होंने सब कहने के बाद कहा, लेकिन मेरी नज़र भटकती रही। अच्छा, मेरी नज़र भटकती रही। अच्छा। तो मैं एकदम से ज़रा जल्दी से मैंने घबरा के कुछ बाल ठीक किए, ज़रा वो किया, मेरा यही ख्याल था कि कुछ उसमें अपीयरेंस में कुछ होगा। तो कहने लगे, नहीं ये जो आपने नाक में पहन रखा है ना बीवी, बीवी कहा करते थे उस जमाने, ये जो पहन रखा है ना जिस पे जब लाइट पड़ती है वो बल्ब, तो बिल्कुल ये तो आप बहुत दूर है ना, उस वक्त तो बिल्कुल आप सामने होते थे, तो बहुत वो पड़ती थी एकदम, ये जब पड़ती है ना तो एकदम से वो निकलता लश्कारा है, लश्कारा आता है, लौंग दा लश्कारा, लौंग दा लश्कारा। तो ये जरा ना तवज्जो, मेरी तवज्जो बढ़ रही थी बार बार। अच्छा। आपके इससे तो इतनी बारीकी देखी जाती थी, बारीकी देखी जाती थी। उसके बाद से फिर मैंने इसके ऊपर मेकअप लगवा लेती थी, बेस लगा देती थी, तो वो फिर चमकता नहीं लश्कारा, लेकिन लश्कारा चला। फिर वो मैंने कहा वो गीत सही है ना जी, तेरी लौंग दा प्यार लश्कारा। अच्छा, अब आपने खबरें पढ़ना शुरू कर दी, और अब आप इस्लामाबाद तशरीफ ले जा चुकी हैं, और अब आप 9 बजे का खबरनामा पढ़ना शुरू कर दिया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे तारीखी खबर कि जो आपको याद रह गई हो, और मतलब जो आज तक आपको एक झुरझुरी सी आती हो उसको याद करके, कौन सी थी? सबसे बड़ी खबर, तारीखी खबर और सबसे बुरी खबर यही थी कि भुट्टो साहब की फांसी की जो खबर थी। यूं तो सारा वो जो बुलेटिन हम पढ़ते रहे जिसमें उनके मुकदमे की केस की रुदाद आती रहती थी, लेकिन वो ना जाने क्यों आखिरी वक्त तक ये ख्याल था कि ये नहीं होगा। भुट्टो साहब का एक अपना रोमांस था। और वो एक अजीब सा रोमांस था। मुश्किल हुई थी ये खबर पढ़ते हुए? जी खबर हुई थी, बिल्कुल हुई थी। मैं तो सुबह जब 11 बजे रेडियो उस पे खबर नशर हुई, पहली मरतबा सुबह 11 बजे हुई, जो हमीद अख्तर ने पढ़ी थी कि उनको आज सुबह फांसी दे दी गई है, तो वो मैं तो रो पड़ी थी उस वो खबर सुन के एकदम से, क्योंकि हमें ज़रा शॉक यूँ हुआ था कि हम लोग अभी इसी उसमें ख्याल में थे कि नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई निकाल के ले जाएगा भुट्टो साहब को, कुछ होगा। तो वो रो पड़ी थी, लेकिन जब फ़ोन आया उनका, पहले प्रोड्यूसर साहब का, फिर एक अबीबुल्ला फारूकी साहब हमारे डिप्टी कंट्रोलर न्यूज़ थे, उनका आया, बीवी पढ़ तो लेंगी, रो तो नहीं पड़ेंगी? तो मैंने कहा नहीं फारूकी साहब, यही तो ट्रेनिंग है कि न्यूज़कास्टर को तो, न्यूज़ रीडर को तो, उसके अंदर तूफान भी चल रहे हों तो उसे बहुत कंपोज नज़र आना होता है, तो यही तो तरबियत इतने महीनों से, आप फिक्र नहीं कीजिए मैं पढ़ लूँगी। आप सारे न्यूज़कास्टर उस ज़माने में इस कदर मकबूल भी थे, शाइस्ता आपा तक, शाइस्ता जैद तक, वो एक अलग ही लॉट है कि खालिद हमीद साहब और अब्दुल सलाम साहब उनका इंतकाल हुआ, फिर सुरैया शहाब, सितारा जैदी। अच्छा एक और बात में है, क्या कमाल बात है कि पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान लहजे संवार के किसी को सितारा जैदी बनाता था, उसे रेडियो जापान ले गया, किसी को महापारा सफदर बनाता था उसे बीबीसी ले गया, किसी को सुरैया शहाब बनाता था उसे ड्यूचे विले ले गया, किसी को खालिद हमीद बनाता था उसे वॉइस ऑफ अमेरिका ले गया। अब हम वहां से मंगाते हैं लोगों को। अच्छा, ये जो दिवस है। नहीं शमू, ऐसा नहीं है, बल्कि यही हमें, हम सबको पाकिस्तान टेलीविजन ने बनाया, बिल्कुल, और लोगों की मोहब्बतों ने हमें ये नाम दिए। देखिए हम तो अपना जॉब कर रहे थे, खबरें पढ़ना जॉब था ना हमारा, हम किसी शौक में तो नहीं आते थे, ये हमारा जॉब था। तो लोगों की मोहब्बतों ने हमें जिस पेडिस्टल पे खड़ा किया,
वो जो हम नाम बन गए तो उन नामों की वजह, उस नाम की वजह से, उस शोहरत की वजह से और उस तरबियत की वजह से जो हमें यहाँ मिली, उसकी वजह से हम लोग बाहर गए हैं। जब PTV अवार्ड्स का सिलसिला शुरू हुआ तो मुझे याद है जो आप फरमा रही हैं कि लोगों ने नाम दिया, इतनी तालियां उसमें फिल्मी अदाकाराओं की आमद पे नहीं होती थी कि जब आप लोग तशरीफ लाते थे और इतनी तालियां बजती थी। वो अवार्ड्स का क्या दिन थे? आपको तो निगाह अवार्ड भी मिला। मुझे बहुत से अवार्ड्स मिले, पाकिस्तान टेलीविजन का भी मिला। नहीं नहीं, तो उन लोगों ने फिर जब ये हुआ, देखिए इस 80 से पहले तकरीबन ये जो न्यूज़ एंकरिंग थी ये बाकायदा शोभा नहीं था, दूसरी जगहों पे लोग काम करते थे और फिर सदाकारी के लिए शाम को टेलीविजन पर आ जाते थे। अच्छा। लेकिन 80 में जब एक तरह से जम के हम लोगों ने बाकायदा इसे प्रोफेशन बनाया और सिर्फ यही जॉब किया, यही हमारा जॉब होता था, हम ये नहीं करते थे कि दिन में कहीं और काम कर रहे हैं और अच्छा। रात को आकर न्यूज़ एंकरिंग कर रहे हैं। तो जब ये बन गया इस तरह से पूरा ये बाकायदा से शोभा, तो फिर मतलब हम लोगों को ये जो दूसरा आपके सवाल का अवार्ड्स जो हुए, अवार्ड्स के इसका जो सबसे अच्छा पहलू था वो ये था कि ये दूसरे शहर, हर मरतबा दूसरे शहर में होते थे और बड़ा अच्छा होता था कि हम सब आपस में मिल लिया करते थे। तो और फिर सबको अवार्ड से अक्सर लोग नाराज भी होते थे और लोगों को मिल भी जाते थे। जहांगीर खान और अब्दुस्सत्तार रीदी का भी एक वाकया आपने लिखा है। जी बिल्कुल लिखा है। वो क्या है? ओफो, वो जो शो था वो यहाँ इस्लामाबाद में हुआ था। अब्दुस्सत्तार रीदी साहब जब आए हैं तो पूरा हॉल खड़े हो के कई मिनट तक तालियां बजाता रहा और अब्दुस्सत्तार रीदी ने और उनकी बेगम सर झुकाए खड़े रहे, उन्होंने बिल्कुल कोई फख्रिया अंदाज में इधर उधर नहीं देखा कि देखें जी हम कितने मशहूर हैं, कितनी शोहरत हमें मिल गई है। इस कदर हम्बलनेस थी, बिल्कुल डाउन टू अर्थ लोग थे वो। और लोग भी फिर बाकायदा कई मरतबा ऐलान हुआ कि तशरीफ़ रखिए, अपनी सीटों पर तशरीफ़ रखिए, मेहमान आगरानी ग्रामी से, तो फिर लोग बैठे। और इसी तरह कराची में ये जो जहांगीर खान थे ना, ये कराची में हुआ था। अच्छा। कि जिस वक्त उन्हें बुलाया गया उस पे स्टेज पे, तो इसी तरह से फिर लोगों ने खड़े होकर तालियां बहुत देर तक बजाते रहे और मुझे, मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे। अच्छा, अब आप BBC में जब गईं तो वहाँ आपको मुख्तलिफ तरीके खबरें, तो यहाँ पर आप बड़ी सियासी पढ़ रही थी और मौसम के हाल तक जो कोई और पढ़ता था, आपको इकॉनमी में क्या हो रहा है और सियासत में क्या हो रहा है और बैन अल-अक़वामी मंजरनामा क्या है वो पढ़ रही थी। BBC में आपको अदब, सकाफत, मौसीकी, उस पर भी इंटरव्यू करने पड़े और एक फरीदा खानम जी का भी इंटरव्यू किया था। कैसा रहा वो? मतलब क्या आपने उनसे कहा कि फरीदा खानम साहब का इंटरव्यू तो अभी मैंने सिर्फ चंद बरस पेशतर किया है। देखिए मुझसे अक्सर लोग कहते थे, इस वक्त मैं जा रही थी यहाँ से और उस वक्त PTV अपने उरूज पे था एक इदारे के तौर पर, और हम लोग ज़ाहिर है हमारी खुशकिस्मती ये भी है कि सिर्फ एक ही चैनल था, तो लिहाजा लोग हमें ही देखते थे। तो अक्सर लोग मुझसे यही सवाल करते थे, आप इतनी शोहरत और मोहब्बत को लात मार के BBC में जा रही हैं। लेकिन उस वक्त 3 साल के लिए जाने का फ़कत मकसद ये था कि BBC एक बड़ा इदारा है जिसमें एक काम करने का अपना अलग तजुर्बा होगा, सिर्फ यही सोच कर मैं गई थी। तो BBC वाले हमेशा बहुत ज़्यादा तरबियती प्रोग्राम करते रहते थे, मतलब हमारे जाते ही उन्होंने एक कोर्स करवाया, उसके बाद फिर जर्नलिज्म का कोर्स करवाया, उसके बाद फिर वो बाकायदा उन्होंने एक कोर्स करवाया कि ये जो सेंसिटिव इंटरव्यूज़ होते हैं ये किस तरह से किए जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि रिपोर्टर्स जाकर कोई मरा पड़ा है किसी का, कोई और पूछते हैं आप कैसा तासुरात के, ये उन्होंने बताया। आपसे फरीदा खानम जी का इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि हम फिर हुमैरा की जानिब जाएंगे। अच्छा, जिनके पास आपके लिए एक तोहफा है फरीदा खानम जी की आवाज़ का। अच्छा, तो फरीदा का इंटरव्यू किया इन्होंने और फरीदा खानम ने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए उमन गज़लें गाए कर थी, पटियाला घराने की क्या गज़ल कहलाई हैं आप, लेकिन जो एक बड़ा खनकता हुआ गीत किया, हाँ, मैंने पैरों में पायल, हाँ, जी, नहीं। वो हमें अब हुमैरा सुना दी। जी जरूर। जी हुमैरा। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, क्यों सदा आ रही है
खवतीन उजात महफादा सफदर से गुफ्तगु और हुमैरा चन्ना के गीत। महफादा आप ने फैसला किया बीबीसी लंदन को ज्वाइन करने का, आप अपने फनी करियर के आसमान पे हैं। ये वो दौर है कि सड़क पे अगर गोश्त वोश लेने जाती हैं तो यकीनन कसाई पैसे कम कर देता होगा कि महफादा सफदर आज दुकान में आ गई हैं, इतनी बड़ी बात है। जो सारे सरबराहाने मुमलिकत हैं वो नाम से जानते हैं, और ये वो चंद चेहरे हैं जो मोतबर भी हैं और मोहतरम भी हैं और शोबिस में भी हैं, लेकिन फिर आप फैसला करती हैं कि अब इस आसमान से उतर के आप दोबारा से कतार में लगेंगी और बीबीसी से एक नया कैरियर शुरू करेंगी, जहां ऑलरेडी जनाबे रज़ाली आब्दी साहब, वक़ार अली साहब, इतने बड़े बड़े नाम वहां पहले से बैठे हुए हैं। कैसे अपनी जगह बनाई और ये क्या मुश्किल फैसला नहीं था? बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन अक्सर मैं लोगों से कहती थी कि तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के। तो एक बुनियादी वजह तो ये थी जी, और टेलीविजन सब कुछ था, चेक छोटा था, चेक बहुत छोटा हो रहा था जी। तो वो एक वो वजह थी। दूसरी फिर ये कि एक जहन में ये था कि वो एक इंटरनेशनल इदारा है, वहाँ पर काम करके जो तरबियत मिलेगी वो यहाँ भी बहुत काम आएगी। तो वहाँ जब गई तो वाकई मैं तो जूनियर मोस्ट थी, मैं अकेली गई, सफदर साथ नहीं गए, नहीं सफदर तो गए हुए थे उस ज़माने में जापान, रेडियो अच्छा। जापान में, और मैं दोनों छोटे बच्चों को लेकर बिल्कुल अकेली वहाँ गई 1990 में। और वो ज़माना था शमून कि वहाँ पर भी लोग हैरान होते थे ये सुन के कि मैं बिल्कुल दो छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर आई हूँ, बिल्कुल एक दूसरे मुल्क में। तो वो उन्हें बड़ी हैरत होती थी, बड़े जैसे वो जब कोर्सेज वगैरह में मुख्तलिफ लोग मिलते थे ना, मुख्तलिफ मुल्कों के लोग और ख़ुद वहाँ बीबीसी के लोग, तो वो पूछा करते अच्छा इतनी ख़वातीन वहाँ पे प्रोफेशनल हैं और कि उनको इतनी उनमें करेज है, हौसला है कि वो दूसरे मुल्कों में जाती हैं। तो खैर एक तो हालांकि ये ज़रा था कि बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त वज़ीर आज़म बन चुकी थी, तो हमारे मुल्क का एक ये इमेज तो था कि ये बड़ा प्रोग्रेसिव मुल्क है। तो मैं जब बहरहाल वो वहाँ पर ज़ाहिर है कि मैं सबसे जूनियर थी, वक़ार अहमद, आसिफ जेलानी, राशिद अशरफ और सारा नकवी थी एक हमारी, और रज़ा अली आब्दी साहब। लेकिन यकीन जानिए कि इन लोगों ने इतनी मदद की है, हर मर्तबा ये मदद हर जगह पर अच्छा। ये तआवुन करने को, मदद करने को तैयार होते थे, और मैंने इन लोगों से भी सीखा, फिर जो बीच में कोर्सेज होते रहे उनसे बहुत कुछ सीखा उन कोर्सेज से, और ये एक तरह से जो मेरा था वो डाइवर्सिफाई हो गया, बहुत डाइवर्सिफाई हो गया। कि यहाँ पर तो एक मखसूस अंदाज है जी, वहाँ क्या मुख्तलिफ आपने देखा, कितना आपके पास खुद एडिटोरियल ग्रिप आ गई? यहाँ पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि एक लफ्ज़ बदल दें आप खबरनामे का, लेकिन वहाँ एडिटोरियल ग्रिप है, आप अपनी खबर खुद ही बना रहे हैं, उसको खुद ही पेश कर दें, तो वो कैसा तजुर्बा था? वो बहुत ही इस लिहाज से सीखने के हिसाब से बेहतरीन तजुर्बा था, और एतमाद जो आपकी ज़ात में मेरी ज़ात में आया एडिटोरियली, वो बीबीसी का जब प्रोग्राम मैंने सरबीन करना शुरू किया एडिटर के तौर पर, तो वो जो एतमाद आया कि उस वक्त मेरे ऊपर ये था कि मुझे तय करना है कि कौन सी आज की स्टोरी है वो अहम है, उसका हमें तज़िया भी करना है, उस पर हमें किसी को इंटरव्यू भी करना है, ये मुझे तय करना होता था, और अगर इंटरव्यू करना है तो किसे करना है। तो उससे ज़ात में बहुत एतमाद आया और सीखने का मौका मिला कि किस तरह से, और ये जो बीबीसी की जो पॉलिसी थी, पहली पॉलिसी उन लोगों की ये थी कि आप लोग कोई ऐसी खबर नशर नहीं करेंगे जिसकी अगले दिन डिनाइल आ जाए। अच्छा, जबकि अब ऑथेंटिसिटी, हाँ ऑथेंटिसिटी की ये होता था कि कम से कम 2-3 जगहों से कंफर्म कीजिए, और फिर जो हमारे एनालिस्ट थे वो भी अब माशाल्लाह से यहाँ के वो सीजन जर्नलिस्ट हैं जो बैलेंस बात करें, ये ना हो कि उनमें टिल्ट नज़र आ रहा हो कि वो किसी उनमें बायसनेस नज़र आ रही हो। तो ये ट्रेनिंग, खबर रंगीन नहीं होनी चाहिए, खबर रंगीन नहीं होनी चाहिए, और इस बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिसिटी क्रेडिबिलिटी पे जोर था, क्योंकि उन लोगों का ये ख्याल था कि देखिए हम रात को 8 बजे नशर करते हैं अपनी ट्रांसमिशन, सारा दिन वहाँ रेडियो पाकिस्तान से और टेलीविज़न से भी खबरें हो चुकी, लोग खबर को चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए बीबीसी सुनेंगे। मैं इसी पे आपसे सवाल कर लेता हूँ, इतनी संजीदा खबर पढ़ रही हैं,
इतने सर लाइव ज़्यादा है, वो कोई बात ऊपर नीचे ना हो जाए। हाँ। कभी कोई लतीफ़े हुए, नीचे से टेलीप्रॉम्प्टर खिसक गया? ऐसा तो अक्सर होता रहता था क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर्स नए नए आए थे। ये लोगों को नहीं पता, ये जो आजकल फरफर बोलती हैं ये टेलीप्रॉम्प्टर्स से बोलते हैं। तो या 84 या 85 में टेलीप्रॉम्प्टर्स आए थे या 86 में, तो वो कई दफ़ा होता था कि जो वहाँ बैठा हुआ फीड कर रहा है उस ज़रा स्लो हो गया, या वो हमसे कई मरतबा इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, पैडल कभी तेज़ी से हो गया। तो मैंने तो उसकी ये तरकीब नहीं, अच्छा एक दो हैं न्यूज़कास्टर जो फिर लॉस्ट होते थे, जाहिर है पेज आगे निकल गया तो अब वो क्या पढ़ें। मैंने उसकी तरकीब ये निकाली थी कि जब वो सफ़ा वहाँ पे ख़त्म हो गया तो वही पेज, क्योंकि एक हमारे पास पूरी कॉपी होती थी, एक प्रॉम्प्टर पे होती थी, एक हम दोनों के पास होती थी, मेल और फीमेल के पास, तो मैं उसी तरह से पेज करती रहती थी। इसलिए मुझे उस किस्म की बौखलाहट और बदहवासी का सामना कभी नहीं करना पड़ा कि अगर पेज नहीं है तो अब बैठे हैं लॉस्ट। अच्छा, है कोई लतीफा हुआ कि मक्खी आ गई, चूहा आ गया? और ऐसा तो बहुत दफा होता, चीख निकली कोई? ऐसा तो बहुत दफ़ा होता था, क्योंकि ये जो था टीवी स्टेशन ये बैरक में था, रावलपिंडी की एक बैरक में, तो वहाँ तमाम हशरातुल अर्ज हमारे इर्द गिर्द हुआ करते थे। तो आदत हो गई थी कि फिर परवाह नहीं? नहीं, एक मरतबा स्क्रीन पर छुपकली चढ़नी शुरू हो गई। अच्छा अब वो जो थे कैमरामैन, अब मैं खबरें पढ़ रही हूँ, अब वो ये भी नहीं बता कह सकते कि आप चुप हो जाइए, और यह अब वो कभी करके छुपकली कैमरे के ऊपर आ गए। नहीं, हाँ नहीं, उसने नीचे से ही कोशिश की कि किसी तरह ये ऊपर ना जाए। अच्छा। और नीचे से ही वापस आ जाए। तो आपकी हंसी तो मेरी हंसी मतलब बहुत मुश्किल से मैंने हंसी को कंट्रोल किया कि वो कभी इधर से आके कोशिश कर रहा है, कभी उधर से कि वो छुपकली ऊपर ना जाए, वरना तो लोग कहते हैं कि चलिए जी आज तो आज खबरनामे में छुपकली आई, छुपकली खबरनामा पढ़ने आ गई थी, ये हेडलाइन लगी होनी थी अगले दिन कि जी रात को छुपकली खबरनामा पढ़ने आ गई। अच्छा, आप यहाँ से लंदन गई दो बच्चों को लेकर, एक यहाँ एक प्रोटेक्टेड माहौल है, मिडिल क्लास का सादात घराना है, बच्चों को नानी भी देख रही हैं, दादी भी देख रही हैं, और वहाँ सूरत हाल ये है कि माँ रात को ट्रेनें बदल के जब घर पहुँचती है तो बच्चे खुद ही माइक्रोवेव में कुछ रख रखा के खा के, तकलीफ़ नहीं होती थी कि मैं किस? नहीं होती थी, शुरू में बहुत होती थी, जब जब मैं अगर मैं घर पहुँचती थी और बच्चे सो चुके होते थे तो वो रात बड़ी बेचैन कटती थी कि बच्चे सो गए, और खुसूसन एक मरतबा मैं अपनी बेटी की पसंद के बहुत वो समोसे उसे बहुत पसंद थे वो लेकर पहुँची तो गलत उसमें बस में बैठ गई। अच्छा। आदत नहीं थी बसों की और ट्रेनों की, कहाँ आदत थी, यहाँ तो ये था कि दरवाजे से आपको गाड़ी लगी और दरवाजे पे आपको छोड़ेगी वापस, तो गलत ट्रेन में बैठ गई। उस दिन रात को जब मैं घर पहुँची तो वो बेटी मेरी सो चुकी थी, वो मुझे बहुत उस बहुत तकलीफ होती उस रात को, और मतलब शुरू के कुछ चंद एक दो साल जब तक सफदर नहीं पहुँचे हैं वहाँ तब तक मुझे रहता था कि बच्चे घर में अकेले होंगे, गो कि मैं एक लेकर गई थी अपने साथ एक हेल्पर को, वो होती थी, लेकिन बहरहाल वो तो नहीं होता ना कि माँ या बाप का जो हम लोगों की तरबियत थी वो तो यही थी ना कि माँ या बाप होना चाहिए बच्चों के पास। तो मुझे लेकिन फिर कुछ बरस जब सफदर पहुंच गए फिर ज़रा कम हो गया था एहसास, शुरू के दो तीन साल बहुत एहसास था इस बात का कि शायद बच्चे जो हैं उनको वक्त में कम दे पा रही हूँ। और फिर ये हुआ कि वहाँ पर एक एशियन टेलीविज़न चैनल खुला मेरे सामने, तो उन्होंने फिर मुझसे बहुत मरतबा कहा कि जी आप ठीक है 5 दिन तो आप मसरूफ़ हैं लेकिन वीकेंड पे आप हमारे यहाँ आकर ख़बरें पढ़िए, लेकिन मैंने उनसे माजरत कर ली यही कह के कि नहीं वीकेंड्स में बच्चों के साथ गुजारना चाहती हूँ पूरा वक्त, तो बस गुजर गया। फिर ज़रा सफदर आ गए तो ज़रा ठीक हो गया था, उसके बाद बच्चे भी बड़े हो गए। उस्ताद वालिद ने और सोस खां माँ ने खुशाब और सरगोदा में भी ज़बान बच्चों की इतनी साफ रखी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हसरत ही रही पंजाबी की। लंदन पहुंचने वाली महपादा ने कितनी कोशिश की कि बच्चों की ज़बान साफ रहे? बहुत कोशिश की और बहुत कोशिश की और है, मेरे दोनों बच्चों की माशाल्लाह से बहुत साफ आवाज़ है, उनको हमने ओ लेवल भी करवाया उर्दू में। अच्छा। और मेरा बेटा तो सिर्फ 11 साल का था कि उसने उर्दू में ओ लेवल कर लिया था। अच्छा। और बेटी ने भी वहाँ पर वीकेंड्स पे क्लासेस, कुछ लोग अपना इनफरादी सतह पर ये कोशिश करते हैं, बाकायदा स्कूलों में उर्दू नहीं पढ़ाई जाती या हिंदी भी नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन इनफरादी सतह पर लोग
वहाँ पर काउंसल्स आपको अलाउ करती हैं, वो हॉल ले लेते हैं काउंसिल को और वहाँ पर क्लासेस करते हैं। तो हमने से कोई खबर पढ़ने का या खबर बनाने का या अब अदाकारी का, अनारकली की दिलाराम बनने का, उनमें कोई शायबा नज़र आए? नहीं, मेरा जो बेटा है उसको काफ़ी वो इस तरफ है, उसको अब लिटरेचर का बहुत शौक़ है। अच्छा। किताबें पढ़ने का बेहद शौकीन है और ये जो मैंने जो अपना YouTube पे चैनल खोला है ये उसी के कहने पर, उसे बहुत शौक़ था कि अम्मी आपको वो ये कहता था, अम्मी आप उस वक्त टेलीविज़न पर आती थी जिस वक्त सिर्फ चंद चेहरे टेलीविज़न पे आते थे, तो आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप ये चैनल खोलें और आप लोगों तक अपने आप पहुँचाइए, जो तजुर्बा है आपके पास वो आगे तक पहुँचाइए, उसे ये शौक़ है। लेकिन ख़ुद वो ज़रा थोड़ा सा शाय है, उसका बड़ी मुश्किल से मैंने एक इंटरव्यू किया अपने चैनल के लिए अपने बेटे का, क्योंकि वो उर्दू माशाल्लाह बहुत अच्छी बोलता है। तो मैंने उसे बड़ी मुश्किल से राज़ी किया, तो उसने उर्दू का क्या फ्यूचर है बच्चों यहाँ पर दूसरे मुल्कों में, तो मुझे बड़ी हैरत हुई, खुशगवार हैरत हुई कि उसने 3 असातिज़ा की गज़लें ज़बानी सुनाई। अच्छा, वो मुझे भी नहीं पता था कि अच्छा। उसको शेर व शायरी में इतनी दिलचस्पी है। माँ शायरा है तो वजह ये है, बाप भी शायर, बाप भी शायर, बहुत अच्छे शायर हैं जी। तो अब वो कुछ बाप पे पूत पिता पे घोड़ा बहुत नहीं पर थोड़ा थोड़ा तो कहीं ना कहीं से तो आएगा। माँ बना, आपने खुद भी एक और रविश इख्तियार की, एम ए इंग्लिश करके गई थी यहाँ से जी। अब 2 बच्चे हैं, नौकरी है, बसें बदलती हैं और ख़ातून को दोबारा तालिबा बनने का शौक आ गया और अब विमेन स्टडीज़ में दाखिला ले लिया जी। ये दोबारा पढ़ने का शौक कैसे? ये यूँ आया कि देखिए, लंदन जो था, मतलब यूके हमेशा से एक इल्म का गढ़ था और बहुत पहले से सब कॉन्टिनेंट में ये एक रिवायत रही है कि जो खाते पीते लोग थे, उमारा थे, वो हमेशा से तालीम हासिल करने इंग्लैंड ही जाया करते थे, अपने कायदे आज़म अपने विलायत जाते थे। तो ये जहन में था कि अगर मौका मिला तो ज़रूर यहाँ का जो तालीमी इदारे हैं उनको ज़रूर देखना चाहूँगी, वहाँ से तालीम हासिल करना चाहूँगी। लेकिन BBC की जो नौकरी थी वो बहुत, उसमें वक्त नहीं मिलता था बिल्कुल, और फिर बच्चे भी बिल्कुल छोटे थे। तो फिर जब सफदर वहाँ आ गए और BBC की नौकरी फुल टाइम ख़त्म हो गई और मैं पार्ट टाइम मैंने शुरू कर दी, तो फिर मैंने वहाँ पर दाखिला लिया लंदन यूनिवर्सिटी में और वुमेन स्टडीज़ में ये सोच कर लिया कि पाकिस्तान में इस सब्जेक्ट की बहुत ज़रूरत है, तो बड़ा अच्छा होगा मैं वापस जाऊँगी, मीडिया तो है ही और मीडिया के साथ साथ मैं कुछ इस तरह से ख़वातीन के लिए काम करूँगी। नहीं, वापस तो नहीं, तो वो जो ख्याल था कि पाकिस्तान को फ़ायदा होगा वो तो ना। हमारी एक अजीज़ा हैं, वो उन्हें सब शौक थे सिवाय पढ़ाई के, तो मैट्रिक के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो मज़ीद तालीम हासिल नहीं करेंगी, तो ख़ानदान भर में उनके लिए एक लतीफ़ा ये मशहूर था कि ये आला तालीम के लिए घर तशरीफ़ ले आई, तो आप इस आला तालीम के लिए लंदन तशरीफ़ ले गई। अच्छा जी, अब जिक्र चूँकि अच्छा तजुर्बा था वहाँ से तालीम हासिल कर, आप शायरा हैं तो शायरा रात गए में आए और अपना कलाम ना सुना, ये तो बात नहीं होगी ना? नहीं भाई, तो कुछ अता हो कोई शेर? यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे शायर आकर अपना कलाम सुनाते हैं, मेरा रहने दीजिए, मैं तो कुछ बस तो अता हो ईदी के तौर पर। ये मैं एक देख रही थी अभी, तो मैंने सोचा कि ये जो मेरे किरदार की अक्कासी करती है वो ये गजल है कि तोड़ दे दरिया किनारे तो भंवर हो जाऊंगी, तोड़ दे दरिया किनारे तो भंवर हो जाऊंगी, साहिलों की रेत में मिलकर गौहर हो जाऊंगी। वाह, साहिलों की रेत में मिलकर गौहर हो जाऊंगी, दूर से चमकूंगी मानिंदे सदफ मैं रेत पर, साहिलों पर लोग ढूंढेंगे लहर हो जाऊंगी। वाह 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 वाह, साहिलों पे लोग ढूंढेंगे लहर हो जाऊंगी, रोशनी बुनती रहूंगी तारा तारा, क्या अच्छा है, सांस भर रोशनी बुनती रहूंगी तारा तारा सांस भर, जो कभी बुझने ना पाए वो सहर हो जाऊंगी। वाह, थाम के गिरती फसीलें वक्त के आलाम में, थाम के गिरती फसीलें वक्त के आलाम में, दूसरों के वास्ते दीवारों दर हो जाऊंगी, दीवारों दर हो जाऊंगी, दूसरों के वास्ते दीवारों दर हो जाऊंगी, टूट के गिरने न दूंगी जिस्म की दीवार को, टूट के गिरने न दूंगी जिस्म की दीवार को, जो हिला दे आंधियों को वो सिपर हो जाऊंगी। वाह वाह वाह, छीन लोगे ख्वाब भी तुम आंख से मेरी अगर,
छीन लोगे ख्वाब भी तुम आँख से मेरी अगर बांझ मिट्टी की तरह मैं बेसमर हो जाऊँ। वाह, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप जलालपुर जट्टा की उन्हीं खातून को जवाब दे रही हैं जो छठी बच्ची की पैदाइश पे अफसोस करने आई थी। क्या अच्छे शेर हैं, क्या अच्छा अंदाज है। आप तो ये कभी ख्याल आया कि अच्छा अब मैंने न्यूज़ कास्टिंग भी कर ली और मैंने काम भी कर लिया, अब बाकायदा शायरा के तौर पर मैं कोई मुशायरे वगैरह पढ़ा करूँ। और ये जैसे हमारे दयार गैर में एक ये बड़ा ट्रेंड है ना मुशायरे पढ़ने का, तो वो नहीं आपको? बल्कि मेरे साथ तो बिल्कुल इससे ऑपोजिट हुआ। मैंने शायरी तकरीबन छोड़ दी, बहुत कम शायरी करती हूँ, और वहाँ जाकर तो बिल्कुल ही शुरू में दो चार लिखी चीज़ें, उसके बाद नहीं लिखी। उसकी वजह यह है कि मेरे घर में एक बहुत अच्छे शायर मौजूद हैं और वो अपने ही शेर सुनाते रहते हैं। अपने नहीं, कीड़े तो नहीं निकालते आपके शेरों में? कीड़े तो खैर बिल्कुल नहीं निकालते थे, लेकिन ये होता था कि जब मैं मुशायरों में सुनाती थी तो पीछे से आवाज़ आती थी, वाह सफदर हमदानी वाह। अच्छा ये सही है कि मर्द लिखारी को कभी ये ताना नहीं मिलेगा जी कि तुम्हारे घर में खातून अच्छा लिखने वाली है जी। लेकिन एक खातून के बारे में हमेशा ये समझा जाएगा। हम दोबारा अब चलते हैं दोस्त और अपनी बहुत ही अच्छी आवाज हुमैरा चन्ना की जाने। हुमैरा, अब हम आप में पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरे दिनों में से किसको याद दिलवा रही हैं? जी बहुत ही खूबसूरत गीत है, मुझे खुद भी ये गीत बहुत पसंद है। रुबीना बदर साहब ने गाया था, तुम संग नैना लागे माने ना ये जियारा। 1969 में पाकिस्तान टेलीविजन ढाका में रिकॉर्ड हुआ था ये। बहुत हसीन रुबीना बदर का, बहुत हसीन। मैं पेश करती हूँ। संग नैना लागे माने ना जियारा, तुम संग Thank you.
खवातीन हज़रात रात गए कि ये नशिस्त अब अपने इख्तितामी मराहिल की जानेब रवा दवा है और सवालात हैं कितने हैं कि अभी तो हम महापारा की उंगली पकड़ के बस नुक्कड़ तक गए थे कि वक्त ख़त्म हो गया। महापारा अब आपने एक बड़ी रोशन सकाफत देखी थी कि यहाँ पर वालिदा ने जहाँ मजलिस व मीलाद की तहजीब और उसका फ़र्श बिछाना सिखाया था, वहाँ बाप ने ज़बान व बयान की आबरू सिखाई थी। टेलीविज़न ने आपको तरख्शां सितारा बना दिया। आपने फ़ैसला किया और आप मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर ये हुक्म सातिर के वतन बदर हों हम तुम दे गली गली सदाएँ। फैज़ साहब की नज़म अपना उसका इंतसाब हो गई, आप गई। बच्चों को उर्दू तो सिखाई लेकिन ये जो माँ बाप की तहजीब थी जिसकी आप अमीन थी, एक बिल्कुल मुख्तलिफ तहजीब में जाके बस गई। दोनों तहजीबों के फ़र्क ने कभी आपको परेशान नहीं किया? नहीं, परेशान नहीं किया, बल्कि मुझे लगता है कि मैंने उस तहजीब से बहुत कुछ अच्छा भी सीखा है। अच्छा। मिसाल के तौर पर जब मैं बीबीसी में गई तो उन्होंने शुरू में एक तीन दिन का तरबियती कोर्स करवाया, और वो कोर्स क्या था, वो ये था कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग आते थे और वो हमें आकर ये बताते थे। एक खातून आई तो उन्होंने कहा, देखिए हमारे इस सोसाइटी में, समाज में ये रिवाज है कि कोई भी काम आपके कॉफ़ी का कप लाके आपके सामने रखे तो आपको उसका शुक्रिया कहना है। आपकी कोई क्लीनर आपके घर में आती है सफाई करने के लिए, आपको उसका शुक्रिया कहना है। ये हमारी यहाँ की तहजीब है, कर्टेसी है, काम की इज्जत है। बस से उतरते हुए ड्राइवर का शुक्रिया कहना है। और फिर कहने लगी कि ठीक है, अगर आप नहीं कहेंगे तो कोई जाहिर है आपको नोच तो नहीं लेगा, लेकिन वो दिल में ये महसूस करेंगे कि बड़े बदतमीज़ लोग हैं, इनको ये तक नहीं पता। तो ये मैंने उनसे सीखा। उसके बाद फिर वहीं पर जहाँ पर हम लोग ठहरे हुए थे वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट आए। वो वहाँ का तरीका था कि क्योंकि बीबीसी के लोग मुख्तलिफ मुमालिक से आते थे ना, बीबीसी एक तरह से एक छोटी सी दुनिया होती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो आए वहाँ पर तो किसी ने को पता भी नहीं चला, कोई साहब आके बड़ी खामोशी से बैठ गए। थोड़ी देर में फिर वो जो थी मुंतजिम उसकी कोर्स की, उन्होंने फिर उनका तारुफ करवाया कि ये इस इलाके के मेंबर पार्लियामेंट हैं और ये आप लोगों से मिलने आए हैं। तो फिर यूं ही बड़ी हल्की फुल्की सी गपशप होती रही और मैंने ये महसूस किया कि वो हमसे ज़्यादा जानना चाह रहे हैं, हम बोलें, हम अपने बारे में उन्हें बताएँ। खुद बहुत कम बोल रहे थे और बस सवाल ही करते थे। और उसके बाद फिर मैंने देखा अगले दिन नाश्ते की उस पर बफे था, साइड पे खाना लगा हुआ था, तो सब वहाँ क्यू में खड़े थे, अपनी अपनी प्लेटें लिए हुए। मैं भी खड़ी हो गई क्यू में। तो मैंने उसके बाद ज़रा ऐसे ही, क्योंकि क्यू ज़रा लंबा था, तो यूँ ही ऐसे ही देखने लगी। देखा तो मेरे दो छोड़कर मुझे मेंबर पार्लियामेंट साहब अपनी प्लेट लिए खड़े थे वहाँ पर। मुझे तो एकदम से शॉक लगा, हैं ये मेंबर पार्लियामेंट यहाँ हमारे साथ क्यू में लगे हुए हैं अपनी प्लेट लेकर। और फिर वो जब जाने लगे तो उन्होंने सबसे हाथ मिलाए, सबका बहुत शुक्रिया कहा। वो जो शेफ था, वो जो कुक था, उनका सर्विस करने वाले लोगों सबका शुक्रिया अदा किया और बाय बाय करके बाहर चले गए, खुद गाड़ी चलाते हुए वापस। कोई उन्हें छोड़ने नहीं गया बाहर तक, कुछ नहीं, बस ये कि बाय बाय कर दिया। आपका इरशाद गिरामी हदीस नबवी है, अल कासिबु हबीबुल्लाह, हाथ से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त है। हमारे यहाँ इसके बिल्कुल बरक्स है, वो शख्स ज्यादा साहिब इज्जत है जिसके लिए कोई और काम करे। बिल्कुल ऐसा ही वो काम का करना जो है, ये जो हमारा अंदाज हो गया है। अब आप जब बाहर से आती हैं तो जब आप यहाँ थीं तो आप भी ये तवक्को करती थीं कि एक ड्राइवर होगा, और मैं चूँकि ख़बरें पढ़ के आई हूँ तो घर में खादमा ने खाना बनाया हुआ होगा, और नहीं बनाया है तो उसकी कमबख्ती आ जाएगी। लेकिन वो सारा आपका अंदाज़ा बदल गया, बदल गया। अब जब आप आती हैं यहाँ तो ये जो मरात का एक हमारा माहौल है कि साहिब इज़्ज़त होने का मतलब ये है कि आप साहिब मरात हों, तो ये कैसा आपको लगता है?
मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होने लगा वक्त के साथ साथ। और मैंने देखा कि जब मैं यहाँ पर मेरी कोई करता है खाना वाना बनाने वाले, उनका मैं शुक्रिया कहती हूँ, थैंक यू कहती हूँ, तो वो कहते हैं लोग बिगाड़ो ना यहाँ के लोगों को, क्या ये इनको बहुत ज़्यादा मुँह लगाने की ज़रूरत नहीं, ये अच्छे पढ़े लिखे लोग ये जी, कहते जी, जी। हैं। गो के चंद घरानों में मैंने देखा बड़ा अच्छा माहौल है, इज्जत भी करते हैं, लेकिन काम कर मतलब वहाँ पर जो मेरी क्लीनर है, मैं एक दिन वो और हम दोनों साथ निकले तो मैं अपनी गाड़ी में बैठ के जाने लगी, वो अपनी मेरी ही तकरीबन जैसी गाड़ी में बैठ के और वो आगे चली गई। और वो घर में आती है तो मेरा बेटा सबसे पहले उससे पूछता है वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, और कॉफ़ी पी के वो और वो फिर काम करती है। यहाँ पर वो माहौल नहीं बन पा रहा ना जाने क्यों, जबकि लोगों में ये अवेयरनेस आ गई है कि ये जो काम करने वाले लोग हैं, हाथ से काम करने वाले, ये इनकी इज्जत करनी चाहिए। अक्सर लोगों में ये ज़रूर है जहनों में उनके, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये जो तबका है अगर हमने इनके साथ ये सलूक किया तो शायद ये बिगड़ जाएगा। नायाब हो गए हैं, बेरोजगार इंजीनियर डॉक्टर ज़्यादा हैं, घरों में काम करने वाले मुलाज़मीन नहीं मिलते हैं, वो ज़्यादा ट्रीट है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूँ एक सवाल जो बहुत पहले मुझे पूछ लेना चाहिए था, यहाँ इतने सारे दोस्त और इतने अपने आप कोलीग्स छोड़ के गई थी, उनमें किसी का नाम खालिद हमीद था, कोई सुरैया शहाब थी, कोई अजमल शाहीन थी, अगर मैं कहूँ अब्दुलसलाम साहब, अज़र लोधी साहब, इनको याद करने निकलें तो किसको आप कहेंगे कि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था? लड़वाने वाला काम ना करें, अब तो आप चली गई हैं, लड़िए। नहीं, सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे थे। खालिद से बहुत ज़्यादा वो थी क़ुर्बत, क्योंकि खालिद और अब्दुलसलाम साहब, अज़र लोधी साहब ज़रा बाकायदा एक प्रेजेंटेशन के इंचार्ज थे, मसरूफ़ रहते थे, तो उनसे ज़रा ज़्यादा गपशप नहीं होती थी, वो बहुत मसरूफ रहते थे, सीनियर थे, तो बस वो ख़बरनामा के पढ़ने के लिए ही आया करते थे, तो उनसे इतनी ज़्यादा गपशप नहीं होती थी, लेकिन खालिद से और अब्दुलसलाम साहब से बहुत होती रहती थी। और खालिद तो खैर फिर पीआई में चले गए थे तो रेडियो उन्होंने छोड़ दिया था, अब्दुलसलाम साहब से कई मरतबा रेडियो पर भी मुलाकात होती थी, तो बड़ी ही अच्छी गपशप और बहुत अच्छा माहौल था। बहुत ही मैं अपने उन तमाम कोलीग्स को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, लेकिन मैंने जब से चैनल बनाया है मैं कोशिश में रहती हूँ कि सबसे बात करती रहें। हम भी आपकी बात करा देते हैं अभी किसी और अच्छी सी आवाज़ से। हुमैरा, अब हमें बताइए कि अब आप चूँकि महापारा 2-3 दिन में चली जाएंगी, अच्छा, ख्याल तो इनका मुल्क में रहने का था लेकिन अब ये प्रदेश की हो गई, अच्छा, हैं, तो हम इन्हें कोई तोहफा सौगात दे के भेजें आपकी आवाज का, जरूर, क्या सुनाएंगे? नाहिद अख्तर जी का एक बहुत ही खूबसूरत गीत, आती है पवन जाती है पवन। वाह, बहुत मकबूल रहा, जी जी जी, पेश करती हूँ। Oh,
बहुत उम्दा, क्या अच्छा आपने नाई दफ्तर को याद करा दिया। अच्छा आप को मिलने का इत्तेफाक हुआ नाई दफ्तर से? जी बिल्कुल, मिला करते थे उस जमाने में, तो वो भी नई नई आई थी, हुमैरा भी बिल्कुल नई नई आई थी। अच्छा बिल्कुल, मेरे तो अब भी नई नई है क्योंकि ये आप कम कम ही आती हैं। माशाल्लाह मच गई है बहुत। आपने बीबीसी की तरफ से, मैं एक किताब में देखता था, बहुत से इंटरव्यूज किए और बड़े दिलचस्प, मुनीर नियाज़ी साहब, अहमद नबी कासमी साहब, मोहम्मद अली ज़ेबा, सबिया खानम, कहाँ कहाँ आप गई? कोई अगर मैं एक इंटरव्यू ऐसा कहूँ कि आप को अफसोस रह जाता कि अगर मैं इस अजीम शख्सियत से ना मिलती, तो कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं? ये तो सारे ही इंटरव्यूज ऐसे थे कि इनसे मिलना, इनके पास बैठना, इनसे गुफ्तगू करना मेरी जिंदगी का जो है एक हासिल है, तो ये तो सभी बहुत अच्छे थे। वो इंटरव्यू कौन सा था जिसको देख के दिल धड़का था? वो धड़का ना वो नदीम को देख के, फिल्म स्टार नदीम को देख के दिल धड़का था उस वक्त वाकई। अच्छा, और यकीन नहीं आ रहा था कि अच्छा मैं नदीम, क्योंकि इनकी जो चकोरी फिल्म थी वो एक ख्वाब की तरह हमेशा ज़हन में रही। ये मुलाकात मोस्ट हिट फिल्म थी चकोरी जो थी ना इनकी, जिसमें ये एकदम से कहाँ पहुँच गए थे, तो वो इंटरव्यू करनी, ये 92 की बात है। अच्छा जी, तो मैं जब आई तो माशाल्लाह वो अभी फिल्मों में हीरो आ रहे थे, बिल्कुल, तो हमारी भी उम्र उस वक्त कुछ कम थी जी, तो वो अंदर की अदाकारा ने ख्वाहिश की कि एक फिल्म जो है, चूंकि शबनम तो तशरीफ ले जा चुकी हैं बांग्लादेश, तो एक जोड़ी नहीं बन सकती थी, लेकिन दरमियान नदीम साहब ने लिफ्ट नहीं कराई, नदीम साहब ने लिफ्ट नहीं कराई, या हमदानी साहब विलन के रूप में आ गए थे। इस फिल्म में अच्छा होता। अच्छा नहीं, वो अगर नदीम ऑफर करते तो शायद मैं सोचती जरूर। वैसे दिल धड़का था वाकई, और वो इस कदर हम्बल इंसान है, इतने डाउन टू अर्थ इंसान है, बिल्कुल मुझे ये नहीं लग रहा था उनसे गुफ्तगू करते हुए कि वो इतनी माशाल्लाह से आला पाए के वो हैं, एक्टर हैं और इतने हीरो हैं, बहुत लुत्फ आया था। कासिम साहब का क्या मिसरा है कि दिल जोर से धड़का के कयामत कर दी। अच्छा अब चूंकि जब कहा तूने तो फिर तर के मोहब्बत कर दी, दिल मगर जोर से धड़का के कयामत कर दी। आप एक मुख्तलिफ अंदाज में अब खबरें पढ़ती हैं, जो नया चलन है फॉक्स न्यूज़ पैटर्न, जो हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान और तमाम जगहों के ऊपर एक सनसनी है, हीजान है, मुझे बस औकात ऐसा लगता है जैसे वो लंडन करके जो कैमरा आता है उस अंदाज से खबरें पढ़ी जाती हैं। अगर महपारा सफदर को दोबारा वापस आके खबरें पढ़नी पड़ जाएँ, तो क्या ज़िया मोहिउद्दीन शो का जो दोबारा सीक्वल हुआ था और वो फेल हो गया था तो मापादा शब्द फेल हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल 100% कोई इसमें शक ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरे मुआशरे का, पूरे मीडिया का माहौल ही एकदम से बदल चुका है। अब लोग बेशक याद ज़रूर करते हैं, बड़े अच्छे लफ्ज़ों में करते हैं, लेकिन अगर आके मैं उस अंदाज में खबरें पढ़ना शुरू करूँगी तो कोई सुनेगा भी नहीं, क्योंकि लोग उसी ऑडिशन में फेल कर देंगे क्योंकि वो उसी अंदाज के आदि हो गए हैं। मुझे कहा, मैंने एक मुझे कराची में एक उन्होंने कहा, अपना एंकर थी, उन्होंने कहा कि जब हम आराम से खबरें पढ़ते हैं तो पीछे से आवाज़ आती है लाउडर। अच्छा। और चीखो, मतलब तुम्हें लोगों को चीख के मुतवज्जे करना है अपनी जानिब। जब इतना इस तरह से माहौल बन जाए तो फिर मेरे जैसे तो खबरें पढ़ने वाले बस सिर्फ लाउडर कहा तो मुझे वो याद आ गया कि एक किसी स्टेज प्ले में वो पंजाबी फिल्मों के जो डायरेक्टर साहब हैं वो डायरेक्शन दे रहे हैं और फाइट का सीन है, वो कहते हैं बार बार कहते हैं मारो मारो नहीं तो मेरे को मारो। वो वाला अंदाज बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत माहौल बदल चुका। आपको क्या लगता है कि फी ज़माना जो हमारे यहाँ इंतशार की कैफियत है, हिजान की कैफियत है, हम एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं, इख्तिलाफ़ राय जो है अब वो तहजीबी नहीं रहा है बल्कि अब तो वो जान पे बनाई है, जान पे मुश्किल है कि अब शहर में निकले कोई घर से दस्तार पे बात आ गई होती हुई सर से, कि क्या सबब इसमें न्यूज़कास्टर का भी किरदार है? वो जो मैंने इत्तेदा में कहा था कि जलती पे
तीली डाल गई। देखिए न्यूज़ एंकर्स को मत कहिए, उनकी मजबूरी है कि जैसी उनको मिलेगी। मैं वैसे जो नए एंकर्स हैं और जो न्यूज़ पढ़ने वाले और अनाउंसर्स वगैरह, मैं उनको कभी इल्ज़ाम नहीं दूंगी, इसलिए कि उनकी तरबियत के लिए कोई ऐसा इदारा है ही नहीं जो उन्हें बताए कि क्या कैसे करना है। मैं उनको कभी इल्ज़ाम नहीं दूंगी। और ये कि मुझे नहीं मालूम कि अब ये जो हैं आपको ये कहना चाहिए कि शायद न्यूज़ एंकर्स इस तरह से पढ़ना चाहते हैं। कमर्शियलाइजेशन एक बहुत बड़ी वजह हो गई है, हर लम्हे खबर आने की वजह से अब लोग सोचते हैं कि क्या अंदाज, अब लोग खबरें उन्होंने सुननी छोड़ दी हैं तो वो फिर ये सोचते हैं कि शायद हम चीख के मुतवज्जे करेंगे या कोई हम बिल्कुल ही बुरी तरह से गलत खबर फेक न्यूज़ बता के मुतवज्जे करेंगे तो शायद इस तरह से लोग हमें देख लें। आप BBC में खबरें पढ़ती हैं और अब भी आप नस्तलीक शुस्ता उर्दू में खबरें पढ़ती हैं, ये मिंग्लिश वहाँ क्यों नहीं पहुँची? हमारे यहाँ कहा यह जाता है कि ये जबान लोगों को समझ नहीं आती है, तो इसको PTV स्टाइल जबान ना बोलिए बल्कि मिंग्लिश करके बोलिए, तो BBC क्यों नहीं मिंग्लिश सुनाता? BBC में भी अब तो बहुत बदल गया है। अच्छा। हमारे ज़माने में नहीं था, उस ज़माने में अच्छी उर्दू मेयार होता था, अच्छा लबो लहजा मेयार था उनका भी, रेडियो पाकिस्तान की तरह जी खुश हुआ है जी, लेकिन अब वहाँ पर भी तब्दीलियाँ आ गई हैं और लोगों का एक वो एक ये एक रुझान है कि देखिए जो बोल चाल में जिस तरह से जबान होती है वही जबान यहाँ पर भी होनी चाहिए। हमारे जमाने में मीडिया को बकायदा कहा जाता था कि ये तरबियत गाह है। अब मुझसे लोग ये कहते हैं कि हम अपना तलफ्फुज आप लोगों को सुन के ठीक किया करते थे, अब ये उल्टा हो गया, बरक्स हो गया, अब उन्होंने कहा कि जो आम बोला जाता है बस वही बोलिए आप भी उस पे। आप यहाँ से गई थी वापस आने को, वापस क्यों नहीं आई? ये एक बहुत दुखती हुई कहानी है मुझे, मैं चंद लाइनें पढ़ के सुनाना चाह रही हूँ अगर आप इजाजत दें। कि मैं जब शुरू शुरू में गई थी तो मैं लोगों से बाकायदा शर्तें लगाया करती थी और मुझे बड़ा तरस आता था, जो कोई कहता था ना हम 15 साल से यहाँ हैं, कोई 20 साल से यहाँ हैं, तो मैं दिल में ये सोचती थी ओहो इनकी कोई अच्छी मुलाजमत नहीं होगी ना, कोई रोज़गार नहीं होगा तो इसलिए फिर ये यहीं रह गए। तो मैं लोगों से ये शर्तें लगाती थी कि मेरी तो बड़ी अच्छी वहाँ पर मुलाजमत है, रेडियो और TV पर मेरी जॉब्स हैं, मैं भला क्यों यहाँ पर रहूँगी, मैं तो 3 साल बाद वापस चली जाऊँगी। तो लोग ज़रा कुछ तो थोड़ा सा मुस्कुरा देते थे और कुछ ये भी कहते थे बड़े उससे कि अच्छा 3 साल यहाँ पर हो गुजर जाएं तो फिर आपसे पूछेंगे। तो उसके बाद ये एक पैराग्राफ मैंने लिखा है कि सैले हयात में हैं हम इंसान खारुखस, मौजों से चंद लम्हे लड़े और बह गए। गुजरते हुए मौसमों के साथ लंदन की सरजमीन में कदम धंसते और अपने मुल्क से उखड़ते चले गए। जैसे लंदन की जमीन नहीं कोई दलदल थी, लंदन में मौसम कैसे दबे पांव गुजरते रहे, वापसी के गुलाब क्यों मुरझाते रहे, वक्त की रेत कैसे पांव तले से खिसकती चली गई, साहिलों पर खड़ी किश्तियां हमने खुद ही क्यों जला दी। एक तवील कहानी है मगर हकीकत यह है कि हम जिसे दयारे गैर समझते रहे वही अपना घर ठहरा, मगर एक नस्ली अकलियत के तौर पर, और यूं वहाँ 30 बरस होने को आए और मैं अपनी 30 बरस की यादें समेट रही हूँ इस किताब में। अगर आपने नसब ना लिखी तो आप गुनाहे अजीम करेंगे, ऐसे मोतियों की तरह से पिरे हुए जुबले बस मैं ये समझता था कि मेरे अलावा कोई नहीं लिखता, लेकिन आपका कमाल है, मैं आपकी शागिर्दी में आ जाऊँ। खवातीन हज़रात, वक्त कम है, गुफ्तगू बहुत ज़्यादा है और जिसका नाम महपारा सफदर है वो ख़ुद दास्तान भी है और ख़ुद एक बहुत बड़ा मज़मून भी, इतनी थोड़ी देर में उसका अहाता हो नहीं सकता था। लेकिन सैयद अब्बास हसन ज़ैदी और सैयद शम्सुल ज़हरा की ये चौथी लड़की जिसकी छठी बहन होने के ऊपर मोहल्ले की औरतों ने आके अफसोस किया था, अस खुद ये बताती है कि पाकिस्तान की औरत अगर अज़्म कर ले तो फिर 7 समंदर पार भी अपने मुल्क का, अपने ख़ानदान का, अपनी ज़ात का और अपने बयान का सबसे बड़ा हवाला वही औरत है। 7 समंदर पार महपारा सफदर आज भी ज़बान व बयान की हुरमत है।
और वो जो कहीं जलाल पर जट्टा में बैठी हुई खातून अफसोस किया करती थी, वो और ऐसे बहुत से दिमाग अब ये जान लें कि महपारा ने खुद कहा है, तोड़ दे दरिया किनारे तो भंवर हो जाऊंगी, साहिलों की रेत में मिलकर गोहर हो जाऊंगी। इस गोहरे नायाब का नाम महपारा सफदर है और हमारी खुशबख्ती कि आज महपारा हमारे साथ थी। महपारा बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और हम उम्मीद करते हैं कि चलिए दयारे गैर में सही, लेकिन कभी कभी आप आती रहा कीजिए और ये यादें ये गुफ्तगू, ताकि हमें एहसास होता रहे कि कभी हमारे यहाँ भी ज़बान बयान का एक बहुत अच्छा दौर था। आप तो ख़ुद उसके नुमाइंदा हैं ज़बान बयान के, माशाल्लाह से। आपका बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आप साथ खैरियत के जाएँ, और सफदर हमदानी साहब को बतलाइएगा कि नदीम साहब बखैरियत। PTV का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि जो शिनाख्त मुझे आज मिली है, इस शिनाख्त को मेरे लिए अगर काबिल फ़ख्र बनाया है तो वो मेरा ये मादर इल्मी है, ये जो मेरा घराना है, मतलब बुनियाद है मेरी, वो PTV है। बहुत शुक्रिया PTV। जी हुमैरा, इतनी अच्छी बातें हुई ऐसी, बहुत मज़ा आया आपके साथ, पहली मुलाकात है जी। लेकिन आप यकीन कीजिए कि आपका अंदाज़े बयां, वो एक जो हवाला था वो तो ऑब्वियसली सब जानते हैं, लेकिन इस हवाले की मैं, मुझे आइडिया नहीं था कि माशाल्लाह आप इतना अच्छा लिखती हैं और इतना अच्छा आपका अंदाज़ है। तो बहुत शुक्रिया आपने आज PTV को टाइम दिया, और ये वो एक ही सिलसिला है कि जो हम PTV के ही पैदावार हैं। मैं अपने आप को बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मेरा नाम PTV से ही है। बिलाशुबा। तो मैं अपना ही एक मिली नगमा था, मुजाहिद हुसैन साहब ने कंपोज किया था, जो कि बहुत ही मकबूल रहा। तो मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि आज इस इख्तिताम पे मैं पेश करूँगा।